जान कोई रंडवा आदमी ने सपनों आ गया, सपना में सगाई हो गया, सपना में ब्याह मंड गया, और सपना में बाल बच्चा हो गया, और सपनों आ रही और खाट विचार चबूतरा को ब्रश हो रही हो, सपना में वह भवानी खरीद गराली रे मारा डोल कवर थोड़ा का आगे किसको जो ये बयान बिता के बेड़ा ही सुना दियो, जो भली तो बॉर्डर में ही सो रही हो, और थोड़ो का आगे किसकी हो ना, और ली कलोटर नीचे पड़ी हो है, जो जो ही पड़ी हो और टांगड़ो चुकी हो, और पड़ी हो पड़ी हो बारह पहाड़ रही हो जी, गांव का बाग बाग राया रे खेतो सही रे कहीं हो यो घरवाल हो यो ही तो कोनर सपना में हो यो सब, और जी में टांगड़ो चका गयो, और सांचो ही पन्न जातो और सांचो ही पैदा हो जातो तो कना खातो ही सुलटार जातो जान कहीं कर है, इसलिए ये सपन के जैसी सृष्टि है। जैसे सपना कब तक होता, जब तक नींद है, जब तक ये सपना है, और सपना है जब तक ये सपने के पदार्थ है, नींद नींद उड़ी सपना टूट गया, और सपना टूटा और सपना के पदार्थ मिट गए, इसलिए पंचदशी कार लिखते सौ सौ प्रबोधे बिना ने सौ सौपन हीते यथा, इसलिए कहा स्वप्न की सृष्टि कैसी गजब की तैयार करी हमने, ये मेरा बाप है, ये पिता है, ये माता है, ये पत्नी, ये पुत्र है, ये भाई है, ये बहन है, ये सगे संबंधी रिश्तेदार है, ये यार दोस्त है, अरे ये मेरा मकान, ये जायदाद, ये संपत्ति है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध लिंगायत क्रिश्चियन पारसी यहूदी न जाने क्या क्या बनकर के बैठा है संसार में, और जैसे सपना नींद उड़ती सपना टूटता सपना के सब गायब हो जाते पदार्थ, ऐसे ही एक जन्म से कितने रिश्ते बन गए सोचो, आपा पैदा न होया जी के फिर भी आपा जी चीजा ने पद पदार्थ ना आपना मान लिया, वो आपना चाहता आपा जन्म पैदा न होया जी के फली वो परिवार आपनों चोके मकान आपनों चोके जमीन जायदाद आपनी चीके ये रिश्तेदार अपना चाहते है नहीं था ना, और कुछ समय बाद भी अपना नहीं होगा, जो पहले नहीं हो कुछ समय बाद में नहीं हो समझो के वो बीच में भी नकली ही है, बीच में भी सत्य होता नहीं है, बीच में सत्यता देखना भी एक भ्रांति है, अज्ञान है, इसलिए कहा जो मम संकल्प से सोपन की रची क्या गजब की दुनिया बनी, जग जाल जो सारी धगाना हो तो ऐसा हो, धगाना कहते प्रपंच को जाल को विस्तार को, बनी जगजान जो सारी धगाना हो तो ऐसा हो, उड़ाई गुरु नींद अविद्या की जगाना हो तो ऐसा हो, फिर कहा लगे पंच भूत तन बन के अनादि काल से जीव के, जान कोई न भूत लाग गया ना, कोई जान तेरी कोई टोट को कर कोई झाड़ो दे और वो भूत को भ्रम निकाल दे, इतने ये पांच तत्व जो है पंच भूत शरीर रूप होकर के अनादि काल से जीव के लगे हुए हैं, ये महापुरुष रूपी जो जादूगर है ये ब्रह्म विचार का झाड़ा दे करके और ये तीनों शरीरों के की भ्रांति का बाध करके तीनों शरीरों की निवृत्ति करके सदा के लिए इन जीव को जन्म मरण के झंझट से मुक्त कर देते हैं, जैसे चावल होता चावल के ऊपर छिलका होता है, जब तक चावल के ऊपर छिलका है जब तक वो चावल उगता रहता है, अगर चावल के ऊपर से वो छिलका हट गया फिर कितना ही वो चावल कभी उगता नहीं है, इसी तरह जब तक जीव के अविद्या की उपाधि है जब तक आवागमन है और ये अविद्या की उपाधि हट गई तो फिर जीव की शिव है, क्यों अकुलावे मान सिंह पलटो अपना भाव, जीव कहता अब ब्रह्म कहो है इतनो ही चाव, शास्त्रों का ज्ञान अधिक होता हो सकता है अपार हो सकता है अता हो सकता है, मगर सच्ची जिज्ञासा और गुरुदेव की कृपा हो तो आत्मज्ञान एक चुटकी का होता है,
बोलो सदगुरुदेव भगवान की।